तो शुरू करने से पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी बनाई हुई स्टोरी पसंद आती है तो जरूर वीडियो को लाइक करना और हाँ मुझे कमेंट में भी जरूर बताना। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि उन सभी के बीच में एक काफी बड़ी लड़ाई चल रही होती है। यामोशी और हारूना एक दूसरे के साथ में अपनी लड़ाई कर रहे होते हैं और हम सभी देखते हैं कि आरिमा और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एक काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी ओमनी गॉड काइलर को देखते हैं जो कि इस समय पर अपने कई सारे हमले वेजिटा और ब्रूली के ऊपर करता है, पर वेजिटा और ब्रूली दोनों ही उनके हमलों को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेते हैं, जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ ओमनी गॉड? मैंने सुना था कि तुम काफी शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये कहने के बाद वेजिटा काइलर के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि काइलर वेजिटा के हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है और काइलर कहता है, वाकई में सैयन, तुम काफी बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे मामूली और कमजोर सैयंस के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक ओमनी गॉड हूं और मुझ जैसा एक गॉड तुम जैसे सैयन के सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे? तुम सैयन इसके लायक नहीं हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि काइलर वेजिटा के ऊपर अपना एक जोरदार हमला करता है, लेकिन ब्रोली बीच में आकर उस हमले को वहां से हटा देता है और तभी वेजिटा एक जोरदार की ब्लास्ट करता है ओमनी गॉड काइलर के ऊपर, जिसे तभी वहां पर एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि उस धमाके के बीच में ही ब्रूली सीधा जाकर एक काफी जोरदार हिट करता है काइलर पर, जिससे काइलर नहीं बच पाता और वो काफी दूर जा गिरता है। और तभी वेजिटा मुस्कुराते हुए कहता है, वाकई में तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, या तो तुम पागल हो, क्योंकि अगर तुम हमारे सामने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम हमारे हाथों से खत्म हो जाओगे ओमनी गॉड। पर तभी हम सभी देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है काइलर वहां पर नहीं होता। ये देखकर ब्रूली और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, पर तभी उनके पीछे से उन्हें काइलर की आवाज सुनाई देती है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम दोनों सैयन इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं। ये कहने के बाद ब्रूली अपना हमला करने के लिए जाता है काइलर के ऊपर, लेकिन काइलर उसके हमले को अवॉइड करते हुए ब्रूली के सामने से उस पर एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे ब्रूली नहीं बच पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी वेजिटा भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए काइलर के ऊपर अपना एक जोरदार हमला करता है, पर हम सभी देखते हैं कि काइलर अपनी पावर को अप करता है, जिससे वेजिटा का हमला वहां से गायब हो जाता है। काइलर पलक झपकते वेजिटा के सामने पहुंच जाता है, वो वेजिटा को एक काफी जोरदार हिट करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को पकड़ लेता है और वेजिटा कहता है, आखिरकार लगता है कि तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने वाले हो। ये कहने के बाद वेजिटा उस पर दोबारा अपना एक पंच हिट करता है, लेकिन काइलर वेजिटा के हमले को रोक लेता है। वो वेजिटा के ऊपर सामने से काफी जोरदार हिट करता है, जिससे इस बार वेजिटा नहीं बच पाता और वेजिटा काफी दूर जा गिरता है। और तभी वहां पर एक धमाका भी होता है और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, वेजिटा, ब्रूली, जरा संभल कर, काइलर वाकई में ये ओमनी गॉड है, इसके पास व्हाइट ड्रैगन की पावर है, क्या तुम उसे महसूस नहीं कर सकते? जरा उसे गौर से देखो। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वापस तुरंत खड़ा होता है, वो काइलर को गौर से देखने लगता है और तभी वेजिटा को काइलर के अंदर एक ड्रैगन की शक्ति का एहसास होने लगता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या तो आखिर इतनी देर से जो मुझे एनर्जी महसूस हो रही थी वो तुम्हारे साथ एक तरह के ड्रैगन की भी है? जिसके ऊपर तभी काइलर कहता है, तुमने एकदम सही समझा सैयन, वाकई में तुम्हें लगा था कि तुम एक ओमनी गॉड का सामना कर सकते हो। मैं अपने यूनिवर्स और अपने मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर ड्रैगन को अपने अंदर समा चुका हूं और उसकी ताकत भी मेरे पास है, और जब तक मेरे पास
इस व्हाइट ड्रैगन की ताकत है, तुम में से कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि काइलर अपनी पावर को बढ़ाता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, वाकई में अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। मैं तुम्हें कुछ भी करके रोक के रहूंगा, समझे। ये कहने के बाद वेजिटा काइलर की तरफ बड़ी तेजी से हमला करने के लिए जाता है। हम देखते कि ब्रूली भी खड़ा होता है और वो भी काइलर की तरफ अपना हमला करता है, लेकिन काइलर उन दोनों के वार से बड़ी आसानी से बचते हुए उन दोनों के ऊपर एक एक हिट लगाता है। इस बार ब्रूली और साथ ही में वेजिटा उसके हमले को ब्लॉक करने पे कामयाब होते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर एक काफी जोरदार अटैक करते हैं काइलर के ऊपर। इस बार काइलर उसके हमले को अवॉइड नहीं कर पाता और काइलर कुछ कदम पीछे हट जाता है, और तभी वो कहता है, क्या बात है सयन, जितना मैंने सोचा था तुम उससे शक्तिशाली हो, तुम्हारी तारीफ तो बनती है, लेकिन ये मेरे लिए काफी बिल्कुल भी नहीं है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम इस मल्टीवर्स के लिए एक खतरा बन चुके हो, तुम्हारा जैसा ओमनी गॉड भी ये सब काम कर सकता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते, और तुम अपने आप को एक ओमनी गॉड और एक देवता का दर्जा देते हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कहने के बाद वेजिटा ब्रूली अपनी पावर को अप करते हुए काइलर के ऊपर टूट पड़ते हैं और काइलर भी अपनी पावर को बढ़ाता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर ड्रैगन गॉड जालामा के साथ में होता है, और तभी गोकू जालामा से कहता है, क्या बात है ड्रैगन गॉड जालामा, क्या आप मुझे जल्दी बताएंगे, क्योंकि मुझे वहां पर समय रहते पहुंचना है। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड जालामा कहते हैं, अगर तुम ये सोच के हारुना से लड़ने जा रहे हो गोकू कि तुम उसे रोक सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम सभी सयन इस समय पर एक काफी बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। जिसपे गोकू कहता है, आखिर आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप साफ साफ कहोगे, आखिर आप क्या जानते हो हारुनो के बारे में, मुझे जल्दी बताइए। जिसके ऊपर ड्रैगन गॉड कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी सयंस उन सभी ओमनी गॉड आरिम और हारुनो के खिलाफ तो लड़ रहे हो, लेकिन तुम एक बात से अनजान हो कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम में से कोई भी हेरोइक सयन हारुनो को कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझे। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ताकत की मदद से उन सभी को रोक सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं। भूलो मत, हेरोइक सयन एक ऐसी प्रजाति है गोकू, जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। और तभी गोकू कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है, क्या वाकई में वो काफी शक्तिशाली है, क्या हम उन्हें नहीं रोक सकते, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे हम उन्हें रोक सकेंगे, मुझे बताइए। जिसके ऊपर ड्रैगन गॉड जालामा कहते हैं, देखो ताकत एक ऐसा रास्ता बिल्कुल भी नहीं है जिससे तुम हारुनो को रोक सकते हो, तुम ताकत की मदद से उन सभी ओमनी गॉड्स आरिमा को रोक सकते हो, लेकिन हारुनो को बिल्कुल भी नहीं। हारुनो इस समय पर एक हेरोइक सयन बन चुका है, और हेरोइक सयन की ताकत वाकई में काफी ज्यादा होती है, और इन सभी बातों के अलावा हेरोइक सयन के पास काफी सारी ऐसी टेक्निक होती है जिससे वो किसी को भी किसी भी डायमेंशन के अंदर भेज सकता है। बस अपने एक ही वार से हेरोइक सयन के पास एक इन्फिनाइट पावर भी होती है जिससे वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है, और तभी वो कहता है, क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हो, इन्फिनाइट पावर, ये भला क्या है, और वाकई में क्या हारुनो जिसे चाहे जब चाहे किसी को भी किसी भी डायमेंशन के अंदर भेज सकता है, तो अगर ऐसा सब है तो क्या हम उनके सामने टिक भी सकते हैं। ड्रैगन गॉड जालामा, मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं अपनी ताकत की मदद से ही उन्हें रोक कर रहूंगा। जिसके ऊपर ड्रैगन गॉड जालामा कहते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, हेरोइक सयन को हराना नामुमकिन है, लेकिन गोकू तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा, और इन सभी बातों के अलावा तुम्हें अपने हर एक साथी की ताकत अपने साथ जोड़नी होगी। और हम देखते हैं कि
गोकू ड्रैगन गॉड जालामा की बातों को बड़ी गौर से सुनने लगता है और तभी ड्रैगन गॉड जालामा गोकू को बताते हैं कि आखिरकार कैसे वो हारुनो को हरा सकते हैं, जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये करना नामुमकिन है। वाकई में क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड जालामा कहते हैं, मेरी एक बात को सुनो गोकू, ये जो कुछ भी तुम करने जाने वाले हो, इसके अंदर तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। यामोशी और जनोसामा को भी इन सब के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है, और साथ ही में ग्रैंड प्रीस्ट को भी। ये सारी बातें सबसे पहले तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट को बतानी होगी, और उसी के बाद तुम हारुनो को रोक पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, समय रहते तुम्हें ये सारी चीजें करनी होगी, नहीं तो इस मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा पाएगा। हेरोइक सैयन, हारुनो से। और अब जाओ गोकू, तुम्हारी बारी आ चुकी है इस लड़ाई में एंटर करने की। और याद रहे, तुम इतने शक्तिशाली अभी के समय पर नहीं हो कि तुम हारुनो को हरा सको, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। हम देखते हैं कि इस बात को कहने के बाद ड्रैगन गॉड जालामा वहां से चले जाते हैं, और तभी गोकू कहता है, ठीक है, तो मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तो अब मुझे चलना चाहिए, मैं आ रहा हूँ। ये कहने के बाद गोकू भी तुरंत वहां से चले जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं डाइकोन और डारिया को, जो कि इस समय पर आसुमा और साथ ही में कोतोहा के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। वो दोनों ही सयन उन दोनों ओमनी गॉड्स के साथ में अपनी लड़ाई को कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि डारिया और डाइकोन लगातार अपने कई सारे हमले कोतोहा और साथ ही में आसुमा के ऊपर करने लगते हैं, लेकिन कोतोहा और आसुमा भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन दोनों सयन के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। हम देखते हैं कि तभी आसुमा कहता है, क्या बात है सयन, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतनी देर तक हमारा सामना कर पाओगे। जिसके ऊपर कोतोहा भी कहती है, वाकई में मुझे इस बारे में नहीं मालूम था कि अकुमो के सयन इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन चिंता मत करो, आने वाले समय के अंदर तुम्हारा वो लॉर्ड अकुमो भी मरने के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जिसके ऊपर डारिया कहता है, खबरदार, आखिर तुमने अपने गंदे मुंह से लॉर्ड अकुमो के बारे में शब्द कैसे बोले? डाइकोन, क्या तुम तैयार हो? हमें वो हमला करना होगा। जिसके ऊपर डाइकोन कहता है, बिल्कुल डारिया, मैं तैयार हूँ, तो चलो हो जाए। हम देखते हैं कि डाइकोन और डारिया अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। कोतोहा और साथ ही में आसुमा भी अपनी ताकत को अप करते हैं। वो चारों ही एक दूसरे के ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला करते हैं। उन सभी के हमले एक दूसरे से बहुत ही जोर से टकराते हैं। उन चारों ने ही अपने इन हमलों में अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है, और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद कोतोहा और साथ ही में आसुमा काफी दूर जा गिरते हैं। इन सब चीजों को देखकर जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, लगता है कि डारिया और डाइकोन ने कर दिखाया, उन्होंने शायद दो ओमनी गॉड को डाउन कर दिया है, शायद वो हार चुके हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं जेनोसामा, ये पूरी बात बिल्कुल भी नहीं है, जरा डारिया और डाइकोन को देखिए। और हम सभी देखते हैं कि डारिया और डाइकोन भी काफी दूर जाकर गिर चुके होते हैं। वो दोनों भी काफी जख्मी हो चुके होते हैं। हम सभी देखते हैं कि वो दोनों ओमनी गॉड डारिया डाइकोन वो चारों ही काफी बुरी हालत में होते हैं। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं आरिमा को, जो कि उन दोनों ओमनी गॉड को देखकर कहता है, कोतोहा और तुम भी आसुमा, क्या तुम दोनों ठीक हो? पर तभी हम देखते हैं कि अगस्त्य और आस्था आरिमा के ऊपर अचानक अपना हमला कर देते हैं, जिसे आरिमा नहीं देख पाता और वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। जिसके ऊपर तभी आस्था कहता है, क्या हुआ आरिमा, क्या तुम अपनी लड़ाई से पीछे हट रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहां पर है? जिसके ऊपर तभी अगस्त्य भी कहता है, नहीं डारिया डाइकोन, क्या तुम दोनों ठीक हो? पर तभी हम देखते हैं कि आरिमा अचानक से अगस्त्य के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिससे अगस्त्य काफी दूर जा गिरता है। और तभी आरिमा कहता है, जो बात तुम मुझे कह रहे थे आस्था, वो बात अपने भाई को भी समझा दो।
कि इस लड़ाई के ऊपर से अपनी नजर बिल्कुल भी मत हटाना। हम देखते हैं कि तभी आज तक गुस्से के साथ ही आरिमा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन आरिमा आज तक के हमले को अवॉइड कर लेता है और तभी वो आस्था के ऊपर अपने काफी जोरदार हिट करता है जिससे आस्था काफी दूर जाने लगता है। पर तभी हम सभी देखते हैं कि अगस्त्या आस्था को पकड़ लेता है और वो दोनों भाई एक साथ मिलकर आरिमा के ऊपर अपने काफी जोरदार अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि आरिमा भी काफी जोर से चिल्लाते हुए अपनी पावर को अप करता है। आस्था और अगस्त्या के ऊपर भी हमला कर देते हैं और तभी वो तीनों एक दूसरे से काफी जोर से टकराते हैं जिसे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि आस्था और अगस्त्या काफी दूर जा गिरते हैं और आरिमा को भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है और आरिमा भी काफी दूर जा गिरता है जिसके ऊपर तभी अगस्त्या दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन आस्था को चोट लगी होती है और तभी अगस्त्या कहता है, हार मान लो आरिमा, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि तुम हमें रोक सको, समझे। पर हम सभी देखते हैं कि आरिमा कुछ भी नहीं बोलता और अब बस जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन तभी हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं जो कि यामुशी और साथ ही में हारूनो की लड़ाई को बड़ी गौर से देखते हुए कहते हैं, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई कभी खत्म भी होने वाली है। सारे ही सैयन और सारे ही ओमनी गॉड, इनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जरा देखो इन्हें। हम सभी देखते हैं कि हारूनो और यामुशी लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। यामुशी अपनी तेजी की मदद से हारूनो के सभी हमलों को अवॉइड करता है और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली भी ओमनीगॉड काइलर के ऊपर अपने कई सारे हमले करते हैं, लेकिन ओमनीगॉड काइलर उन दोनों के वार से आसानी से बचता रहता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, इन सभी को इस समय पर उसे एक शख्स की जरूरत है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है, फादर ऑफ सैयन अकुमो। आखिर भला वो इस समय पर कहां पर है? ये सभी लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़ चुके हैं और अगर इन सभी को कोई रोक सकता है तो वो वही है, लेकिन वो कहां पर है? अगर अकुमो समय रहते यहां पर नहीं आया तो न जाने ये सभी एक दूसरे को खत्म भी कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आप सभी से एक काफी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल चैनल के ऊपर मैंने एक और न्यू स्टोरी शुरू कर दी है, अगर आपने वो स्टोरी अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस स्टोरी को भी जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करना। और उसके अलावा बहुत से लोग कह रहे थे कि एक ही सीरीज को चैनल के ऊपर कंटिन्यू रखो, तो देखो दूसरी स्टोरी भी मैंने चैनल के ऊपर कंटिन्यू कर दी है, तो अब से मैं उससे भी चैनल के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ, यानी कि गोकू द इवल सैयन स्टोरी और न्यू स्टोरी, दोनों ही न्यू स्टोरी चैनल के ऊपर एक एक दिन छोड़कर आने वाली है। यानी कि एक दिन गोकू इवल सैयन की स्टोरी आएगी और दूसरे दिन हमारी न्यू स्टोरी। तो मैं चाहता हूं कि आपसे मुझे दोनों ही स्टोरी पर अपना भरपूर प्यार दिखाए, क्योंकि बहुत जल्दी इस स्टोरी का मैं सीजन 1 कंप्लीट करके सीजन 2 लाने वाला हूं। तो इसीलिए जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी दूसरी स्टोरी को भी आप अपना भरपूर प्यार जरूर से दिखाना। जब तक के लिए आप सभी से मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।